इस वक्त चिराग दिल्ली फ्लाईओवर पर मेरी मौजूदगी है और देखिए देश की राजधानी की हम वो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जो ये सवाल खड़े करती है कि विकास की किस राह पर इस वक्त हम खड़े हुए हैं। मेरे पीछे आप देखेंगे 300 मीटर का लंबा ये फ्लाईओवर है और आप थोड़ी दूर हम कैमरे से पैन करके जरा आपको दिखाना चाहेंगे कि वहां पर काम चल रहा है मरम्मत का। अभी की बात की जाए तो जो जानकारी हमें दी गई वो ये कहा गया कि 10 से 15 मजदूर इस मरम्मत के काम में इस वक्त लगे हुए हैं। तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे कि कितनी जो लोग हैं दिल्ली के जो रोज मर्रा के अपने काम के लिए इस रास्ते का प्रयोग करते हैं। आप देखिए किस तरीके से ये ड्रम लगाए गए हैं लाइन से, ये ड्रम आप देखेंगे लाइन से इसी तरीके से ये ड्रम है वो लगे हुए हैं और इस ड्रम के जरिए जो ये रास्ता है फ्लाईओवर पर चढ़ने का उसको रोक दिया गया है। तमाम आप लोग देखेंगे जो हर रोज पीछे दो दिन से यही तस्वीर देखने को मिल रही है और इसी तरीके से जाम का सामना कर रहे हैं। आप रोज इसी रास्ते का प्रयोग करते हैं तो कितना परेशान हो जाते होंगे क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं दिल्ली में फ्लाईओवर वगैरह बन रहे हैं, अभी आश्रम की बात की जाए प्रगति मैदान और अभी यहाँ पे काम चल रहा है, फिर भी दिल्ली के लोग जाम से मुक्त नहीं हो पाते हैं। हाँ, क्योंकि बच्चों को पेपर भी दिलाने जाते हैं तो उसमें ट्रैफिक में फंस जाते हैं तो लेट ही होते हैं, लेट हो जाते हाँ हैं। अच्छा, तो अभी आप मतलब कहाँ किस तरफ जा रहे हैं? अभी हम विकासपुरी की तरफ, विकासपुरी जा रहे हैं। तो अभी अमूमन कितना वक्त लग जाता है क्योंकि आप कह रहे हो दो दिन से हम आ रहे हैं यहाँ पर, कितना लग जाता है? डेढ़ पौने दो घंटे लग जाता है। पहले कितना लगता था? पहले एक घंटा सवा घंटा में पहुँच जाते हैं। एक घंटा सवा घंटा। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम सुमित है, मैं मालवीय नगर से हूँ और इधर मेरा अक्सर आना जाना रहता है, लेकिन आज तो ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल स्टक हो गए हैं निकलने का। अभी बच्चे को स्कूल से लेना है बट इट सीम्स डिफिकल्ट, शी हैज टू वेट, शी इज अ 4 ईयर ओल्ड चाइल्ड, वेरी डिफिकल्ट। कितने वक्त से आप जाम में अभी फंसे हुए हैं क्योंकि बहुत लंबा जाम है? आई थिंक 20-25 मिनट्स हो गए हैं मुझे। 20-25 मिनट्स हो गए हैं। और जाने में वैसे कभी इस रास्ते का प्रयोग किया था पहले आपने? हमेशा यही रास्ता नेहरू प्लेस जाने के लिए यूज करते हैं। यहाँ पे टाइम नहीं लगता, 5 मिनट के आसपास लगता है, बट 5 टाइम्स अभी 25 मिनट्स में निकले नहीं है हम। अभी 25 मिनट्स में नहीं लगे, ऑलमोस्ट अभी मुझे लग रहा है 5 गुना समय हो गया, 5 गुना समय हो गया और 10 मिनट और लगने वाले हैं एटलीस्ट। ये मैं आज पहली बार आया हूँ। आज पहली बार आए हैं और एक घंटा लग गया। एक घंटा लगे तो मतलब ये होता है कि आप क्या माल अंदर दिल्ली के लिए ले जा रहे हैं? दिल्ली के लिए ले जा रहे हैं। कहाँ पे जा रहे हैं? ये मानेसर जाएंगे। मानेसर जाएंगे यानी आगे गुड़गांव होते हुए? गुड़गांव होते हुए। परेशानी हो रही है बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। मेरे को 20 मिनट हो चुके हैं यहाँ पे फंसे हुए। अच्छा। और इनको पीछे कम से कम कोई साइन बोर्ड लगाना चाहिए अल्टरनेट यूज करने के लिए कि आगे काम चल रहा है। हाँ। अल्टरनेट वे यूज करें। हाँ। तो हम नेहरू प्लेस से होके जा सकते थे या बीच में से जीके से जा सकते थे, लेकिन कहीं ये कोई साइन बोर्ड नहीं लगाया कि आगे काम चल रहा है। यहाँ आगे पता लगा कि यहाँ पे काम चल रहा है और यहाँ पे फंसे हुए, मेडिकल जाना है मुझे बहुत जरूरी और आप देख लीजिए 20 मिनट हो गया मुझे। ये हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो लोग ये बंद कर दिया गया है और बहुत बड़ी लाइन यहाँ पर लग गई है, जो लोग हैं वो लगातार जाम से जूझ रहे हैं। पीछे आप देखेंगे जो चूंकि ये जो रास्ता है वो दिल्ली जो इंडिया गेट है, इनर सर्कल है, वहां पर जाने का रास्ता है, एक बड़ा मार्ग जहाँ से लोग आवाजाही के लिए प्रयोग करते हैं और तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। और इसी के साथ ही हम आपको आगे की तस्वीर ज़रा दिखाना चाहेंगे क्योंकि जब मरम्मत, ये ज़रूरी है कि मरम्मत में जितने मजदूर लगे हों वो उनकी जो संख्या है वो इतनी ज़्यादा होनी चाहिए कि जल्द से जल्द जो काम है वो पूरा हो जाए। तो हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से आगे आप जैसे बढ़ते जाएंगे तो देखिए 10 से जो 15 मजदूर हैं बताया जा रहा है कि वो मरम्मत के काम में लगे हुए हैं। हम तस्वीरें आगे चल करके आपको ज़रा दिखाना चाहेंगे कि वाकई कितनी समस्या हो रही है जो दिल्ली की आम जनता है, क्योंकि पीछे जो ड्रम लगाकर काम इस पूरे फ्लाईओवर को, 300 मीटर लंबा ये फ्लाईओवर है उसको रोक दिया गया है। और चूंकि हम ग्राउंड जीरो पर आपको पूरी पड़ताल दिखाने के लिए आए हैं कि जैसे वॉक आप पैदल बढ़ते जाएंगे तो आप देखेंगे कि थोड़ी सी आपको ये जो बीच की सड़क है फ्लाईओवर की वो आपको टूटी हुई नजर आएगी, यानी कि आपको जो मलवा है वो बिखरा हुआ नजर आ जाएगा और यहाँ पर इस फ्लाईओवर को ठीक करने का काम चल रहा है। आगे बढ़ के हम दिखाना चाहते हैं कि क्या कितना जो मरम्मत का काम है, क्योंकि जो लोग हैं जिनसे हम बात कर रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं, वो लोग कह रहे हैं कि 2 दिन से ज़्यादा का जो समय है वो हो चुका है, हम इसी तरीके से जो जाम है उसमें फंस रहे हैं। और देखिए ये फ्लाईओवर है जिससे लोग दिल्ली आसानी से
पहुंच जाते थे, लेकिन देखिए पीछे अब लोगों को जो सर्विस रोड है या जो नॉर्मल रोड्स बनाई गई हैं आने जाने के लिए, दिल्ली में एंटर करने के लिए, उसका प्रयोग कर रहे हैं। और ये चिराग दिल्ली नेहरू प्लेस से जरा जब आप चिराग दिल्ली की तरफ होते हुए जब आप देश के अंदर प्रवेश करेंगे दिल्ली में, तब यही तस्वीर देखने को मिलेगी। और ज़रा हम बताएं कि जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो किस तरीके से पहुँचा है। तो देखिए 15 मजदूर की बात की जा रही थी, लेकिन 15 मजदूर की जो तस्वीर है वो शायद अभी यहाँ नहीं दिखाई दे रही है। पीछे आपको एक ट्रैक्टर नज़र आ जाएगा, आपको गिट्टियाँ रखी नज़र आ जाएंगी, और जो मजदूर हैं वो आपको नज़र आते हुए यहाँ पर दिख जाएंगे। इस फ्लाईओवर को बनाने का ये काम यहाँ पर किया जा रहा है और 2 दिन से ज़्यादा का जो है समय हो गया है, लेकिन अभी भी जो दिल्ली वाले हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। उनका सिर्फ यही कहना है कि जल्द से जल्द जो फ्लाईओवर बनाने का काम है वो पूरा हो जाए, ताकि हमें रोजमर्रा का जो जाम है उससे मुक्ति मिल जाए। कैमरा पर्सन निरंजन के साथ में श्रद्धा चतुर्वेदी, छिविनाथ।